जहन दोस्तों, एक कथन है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और वही कल तक हमारे साहस, ईमानदारी और पुरुषार्थ की लोग कसमें खा रहे थे। और हम बहुत सारे ईमानदारी के, कल एक वीडियो पोस्ट किया, परसों जब रेटिंग होती है देश में तो एक ईमानदार संस्था है, वो है इंडियन आर्मी। आज दो लोगों ने इंडियन आर्मी का नाम डुबोया है, वो भी बहुत बड़े अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी और एक है सूबेदार मेजर रैंक के अधिकारी। आप समझ सकते हो, अनियमितता पाई गई, घोटाला पाया गया है, और सीबीआई ने दिल्ली से जाकर के अंबाला कैंट में उन्हें अरेस्ट किया है। दोस्तों, अरेस्ट 22,48,000 रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश पवार हैं और सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार हैं। और ये कहाँ पोस्टिंग हो सकते हैं, आप समझ सकते हो, आप अपना आइडिया लगा सकते हो। ये है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये एक वो बदनुमा महकमा है जो फौज को कहीं ना कहीं बदनाम करने का ठेका ले रखा है, जो फौज की इमेज को अपना तन मन धन सब लगा के बॉर्डरों पर लगा के बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं, एक क्राइसिस भरा जीवन जीते हैं, और ये लोग एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, और इन्होंने सिविलियंस के साथ मिलकर के ये घोटाला किया। सिविलियंस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना और उनसे पैसे, समझ सकते हो आप, उनका जो परसेंटेज है, जो उनका कमीशन है, वो पैसा लेकर के कॉन्ट्रैक्ट देते हुए मामले में पकड़े गए। अंबाला कैंट का सनसनीखेज मामला है जिसमें बिल्कुल लिखा है सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल और सूबेदार मेजर को अरेस्ट किया, और साथ में एक पेपर बोला है कि भारतीय सेना के साहस, बलिदान और ईमानदारी की कसमें दी जा रही थी पिछले सप्ताह, और आज इन्होंने भारतीय सेना के नाम पर एक धब्बा लगाया है। और आप ये देखिए, इतनी सारी न्यूज़ है, कल हर एक न्यूज़ चैनल ने, हर एक प्रिंट मीडिया ने, हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनकी वाहवाही की है। यानी आप समझ सकते हो कि हमारी मेहनत पर, हमारी मतलब करोड़ों लोगों की मेहनत पर ये पानी फेर देते हैं। उसमें मैं समझता हूँ सर्विंग है और एक्स सर्विस मैन है, और जो इस दुनिया में नहीं है उन्होंने भी शहादत दी है इस संस्था को बनाने के लिए, इसलिए मैंने करोड़ों शब्द का उपयोग किया दोस्तों। लेकिन कितनी शर्म की बात है, इन्हें सारी सुविधाएं हैं, इन्हें मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, ये किसी ऑपरेशन में नहीं जाते हैं, ये डिपुटेशन पे रहते हैं, आराम करते हैं, कमीशन लेते हैं, ना कोई इनकी बीपीटी है, ना कोई ऐसे फायरिंग है, ना कोई नाइट में ड्यूटी है, फिर भी इनको खुजली है। मैं ये कह रहा हूं, और आप क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल हाँ, फौज की तरफ से एक स्टेटमेंट निकलना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त कर देना चाहिए, और ये फौज के नाम को बदनाम करते हैं, और इन्हें वो सजा मिले कि दूसरा एक एक बार नहीं हजार बार सोचे कि नहीं, मैं MES में हूँ, या मैं AMC में हूँ, या मैं सप्लाई में हूँ, मेरे पास ऐसे पोर्टफोलियो जहाँ मैं सिविल के साथ कॉन्टेक्ट करता हूँ, लेकिन कसम है कि यदि मैं एक रुपया रिश्वत का खाता हूँ तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका चाहिए कमेंट्स इसमें।